हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप लोग। स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में आपका। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है, त्यौहार नहीं बोलेंगे इसे, ये पर्व है, एक आस्था है। और जैसा ज़्यादातर ये यूपी बिहार में वाले लोगों को ज़्यादा पता होगा कि महापर्व आ रहा है, छठ पर्व आ रहा है। तो छठ पर्व के लिए हम आए हैं यहाँ पे, हम भी घाट छेकने के लिए आए हैं कि जैसे कि 18 तारीख को है तो 10-15 दिन पहले ही छेकना पड़ता है क्योंकि सारी जगह छिक जाएगी। तो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये छठ माता का मंदिर है, यहाँ बन रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट बनवा रही है पंचकुला में। और हम अब उतरते हैं नीचे छठ घाट देखने के लिए, देखते हैं हमें जगह मिलती है कि नहीं मिलती है या फिर और कहीं दूर जाना पड़ेगा। चलिए देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको उतरने की जगह। मैं और मेरा बेटा आया है वैदिक, ये देखिए। नमस्ते प्रो बेटा। नमस्ते। चलिए फ्रेंड, अब नीचे उतरता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। अभी बहुत गड्ढे में जाना है हमें, ऐसा दिख नहीं पाएगा, ये देखिए आप इतना गहरा, काफ़ी दूर जाना है हमें अंदर तक। चलिए फ्रेंड, मैं लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, मैं लेके चलता हूँ आपको, पकड़ता हूँ आराम आराम से। गवर्नमेंट ने रास्ता तो बना दिया है दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए नीचे, और देखते हैं अभी क्या तैयारी हो रही है यहाँ पे। और काफ़ी रेता है, और तेरी गाड़ी ना धस जाए नीचे, देखो आप। इस बार देखते हैं छठ कैसा हो रहा है पूजा यहाँ पे। हो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जेसीबी आ गई है और छठ पूजा के लिए। और ये पूरा रास्ता अब ढूंढना पड़ेगा हमें, कहाँ है कहाँ नहीं करना भी। ले पड़ो बेटा फोन पकड़ो। दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ, जैसा कि देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे सब जगह घाट छिक गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये लोगों ने पत्थरों में बीच में रखा घाट, लोगों ने छेक लिया यहाँ पे और कहीं दिख नहीं रहा। तो दोस्तों आज इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा है कि छठ कहाँ मनेगा। देखो सारा सूखा पड़ा हुआ है, जेसीबी लगी हुई इधर और ये पहाड़ लगा हुआ, देखो मिट्टी का इधर, समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो ये जगह थोड़ी दिख रही है कि हाँ यहाँ पे किसे कोई नहीं है, ना कोई पत्थर रखा हुआ है और ना कोई बैकग्राउंड में पत्थर है। सोच रहे हैं हम इधर ही बना लेते हैं अपना, अब बाद में देख लेंगे एंड के समय आते हुए कि क्या है क्या नहीं, अगर जो भी होगा तो देख लेंगे एंड में, या फिर बैक साइड में थोड़ा कर लेंगे आपा, यही कर सकते हैं। और इस लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, पर्व है त्यौहार है, चलो मिलजुल के करेंगे। और तो ये देखिए दोस्तों, अभी खुदाई चल रही है, अब पता नहीं कैसे जाएंगे कैसे नहीं इसके अंदर, या मिट्टी स्पाट होती है क्या होता है। देखिए जेसीबी वहाँ खड़ी है और ये पुल है, और ये जो दिख रहा है आपको ये छठ माता का है बना हुआ पूजा स्थल। अब पानी इतने कैसे आता है, और ये देखिए हमने जगह ये हमें मिली है ठीक, और यहाँ पे शायद किसी का है नहीं। अब देखते हैं, बना लेते हैं अपना यहाँ पे। पहली थोड़ी जगह मिल गई हमें, ये पता नहीं किसका किसका नहीं, कोई क्लेम करता है क्या करता है। आप देखिए फिलहाल हम ये पत्थर जो है ये रख के चले आएंगे और आखिरी समय में आएंगे, देखते हैं ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये कैसा स्थिति है। ये तो एक दो तीन दिन पहले ही चलेगा पता, मैं पानी छोड़ते हैं क्या नहीं करते फिलहाल। देखिए लाओ बेटा कैमरा, सर कैमरे से ला रिकॉर्डिंग होती है ना। तो दोस्तों फिलहाल जो ये वाला है यहाँ पे हम इस पत्थर को लगा देंगे निशाने के तौर पे। तो दोस्तों फाइनली हमने ये जगह छेक ली है, देखिए हमने पत्थर रख दिया यहाँ पे। और थोड़ा सा इधर से ही पत्थर लगा देते हैं, और लगा के काफ़ी धूप हो रही दोस्तों, इस समय करीब बज रहे हैं 2 दोपहर के, और धूप काफ़ी कड़ी है। और देखिए रेगिस्तान टाइप का है पूरा, पानी तो नज़र नहीं आ रहा कहीं पर, और कह रहे 2-3 दिन पहले छोड़ेंगे पानी यहाँ पे। बेटा रहने दो, धूल मिट्टी तो भी ज़्यादा उड़ रही है, चलो आप निकलो बाहर। आप चलिए फ्रेंड, पहले छेक लेते हैं हम इसको। तो दोस्तों फाइनली मैंने बेटे को दे दिया। बेटा क्या कर रहे हो आप, इधर पत्थर लगाने बोला मैंने आपको। तो दोस्तों आपको दिख रहा है ये देखिए छठ माता घाट, और ये 2 मशीनें चल रही हैं यहाँ पे, ये जगह प्लेन करेंगी और प्लस नदी का रास्ता बनाएंगी ताकि छठ पे। और मैंने तो मैंने इन लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन लगेगा इसको, ये पूरा प्लेन कर देंगे जगह यहाँ पे इस तक, और उसके बाद यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, नदी का रास्ता निकालेंगे, तब उसके बाद ही हम ठीक से वेदी बना पाएंगे ठीक है फ्रेंड। चले अभी वेदी बनाए नहीं हमने, अभी हमें सिर्फ छेक के गए हैं, और देखते हैं 2-3 दिन बाद आते हैं और देखते हैं हमारी जगह बसती है या फिर और ही कहीं रास्ता निकालना पड़ता है हमें। चलिए फ्रेंड ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हमें जाना है इतना ऊपर, वो देखिए रास्ता बहुत ही ख़राब है।